गला बनाने के लिए हमें 10 नंबर की डबल पॉइंटेड सिलाइयों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें 5 10 नंबर के गले वाली 5 सिलाइयां चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो अब हम यहाँ कॉर्नर में फंदे डालेंगे, सिलाई डालेंगे। देखिए ये जो पहली लाइन गई है, यहाँ से हम फंदा उठा लेंगे, एकदम ऊपर से नहीं उठाएंगे, यहाँ एक लाइन नीचे से उठाएंगे। तो एकदम कॉर्नर में ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ पे हम 45 से 50 के बीच में जितने फंदे उठ जाएं उतने उठाएंगे। तो यहाँ पे 46 फंदे उठे। अब हमें दूसरी साइड भी, इस साइड भी 46 फंदे ही उठाने होंगे, यानी इसके अपोजिट यहाँ दूसरे पल्ले में भी हम 46 फंदे ही उठाएंगे। अब इसको ऐसे थोड़ा सा अंदर कर देंगे ताकि फंदे गिरे नहीं। अब हमारा ये दूसरा, अब ये आस्तीन वाला हिस्सा है, तो अब हम इसमें फंदे उठाएंगे। तो यहाँ पे हम 50 से 60 फंदों के बीच में उठाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने फंदे उठ रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें ये जो डिजाइन बना है, चोटी वाला डिजाइन, इसके ऊपर ऐसे फंदे उठाने होंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस साइड में 46 फंदे उठे हैं और इस साइड में 58 फंदे। अब हमें इसके सामने इधर, यानी कि इस साइड भी 46 फंदे उठाने होंगे और इसके सामने, यानी इस साइड में 58 फंदे। तो मैं इतना उठा के आपको दिखाती हूँ। हम इसको ऐसे बीच में कर देंगे, वरना फंदे गिरने का डर बना रहता है। तो अब मैं इस साइड में 46 फंदे उठाऊंगी और दूसरे साइड में 58 फंदे। तो मैं इसे उठा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ फंदे उठा लिए। यदि आपके फंदे उठाने में कम या अधिक हुए हों तो घबराने की बात नहीं है, पहली लाइन में हम सेट कर लेंगे। यदि कम होगा तो एक्स्ट्रा फंदे उठा लेंगे और यदि अधिक उठा होगा तो हम फंदे घटा के, चारों तरफ फंदे घटा के इसे बैलेंस कर लेंगे। तो फंदे उठ गए हैं, अब ये हमारा पहला लाइन है। तो अब हम अपना पांचवा सिलाई लेंगे और एक फंदा सीधा, इसको हमेशा हम ऐसे अंदर की तरफ कर लेंगे वरना फंदे गिरेंगे नहीं। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा।
एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा का बॉर्डर हम बनाएंगे। तो हमें यहाँ से लेके और लास्ट फंदे तक, लास्ट सेकेंड लास्ट तक मैं एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए मैं लास्ट तक आ गई हूँ। अब ये सेकेंड लास्ट हमारा सीधा है और अब देखिए यहाँ पे हम इस फंदे को ऐसे रखे रहेंगे। अब देखिए सिलाई में दो फंदे बचे हुए हैं तो इस फंदे को छोड़ देंगे। अब दूसरे साइड का है, ये देखिए हमारा ये कॉर्नर का फंदा है तो ये दूसरे साइड से एक फंदा हम लेंगे और पहले इन दोनों को सीधा बुनेंगे और अब हमने जो फंदा उतारा था इसको सीधा बुनेंगे, इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ये हमारा कॉर्नर बन रहा है जो हम वी नेक बनाते हैं तो एक चोटी हम बनाते हैं तो ये हमारा फंदा वही चोटी बनेगा। अब देखिए इस साइड में हमारा फंदा चोटी से पहले ये उल्टा है तो हम अब फिर उल्टे से शुरू करेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनते हुए मैं पूरी लाइन कंप्लीट कर ले रही हूँ, फिर लास्ट में पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदों को मैंने बुन लिया है, अब लास्ट के दो फंदे बचे हुए हैं तो पहले फंदे को हम ऐसे स्लिप कर लेंगे अब लास्ट के दो फंदे बचे हुए हैं तो अब हम एक फंदा इस सिलाई से लेंगे और एक फंदा ये दूसरे साइड वाले सिलाई से। ये हमारा जो इस साइड का फंदा है इसमें से हम एक फंदा लेंगे। और इसको हम संभाल के उठा लेंगे वरना ये गिर जाएगा। तो दोनों फंदों से हमने एक एक सिलाई ले लिया, दोनों सिलाइयों से हमने एक एक फंदा ले लिया, इसे सीधा बुनेंगे और ये फंदा जो हमने रोका हुआ था इसको हम इस फंदे के ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे तो ये हमारा कॉर्नर का फंदा हो गया। अब इसको ऐसे कर देंगे ताकि ये गिरे नहीं और अब हम दूसरे साइड के फंदे बुनना शुरू करेंगे। अब ये देखिए लास्ट का फंदा उल्टा है, यानी इधर हमारा पहला फंदा उल्टा हो जाएगा। पहले फंदे उल्टे से हम शुरू करेंगे, उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा और सीधा बुनते हुए मैं लास्ट के दो फंदे होने तक बुन के आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के दो फंदे बचे हुए हैं तो अब उनको हम दूसरी तरफ करेंगे। पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे फिर पहले वाले फंदे में और फिर एक फंदा दूसरी सिलाई से लेंगे। तो ये तीन फंदे हो गए, तीनों को एक साथ लेते हुए हम एक सीधा फंदा बना लेंगे तो ये हमारा कॉर्नर का फंदा हो गया। अब देखिए ये फंदा उल्टा है, यानी कॉर्नर के बाद वाला फंदा उल्टा होगा। अब इसको ऐसे कर देंगे ताकि गिरे मत तो ये कॉर्नर का फंदा हो गया, उन अपनी ओर करेंगे और एक फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा सीधा। तो उल्टा सीधा बुनते हुए एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बुनते हुए हम लास्ट तक आएंगे तो मैं दो फंदा रहने तक बुन के आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के तीन फंदे बचे हुए हैं तो ये फंदा सीधा है तो यानी अगला फंदा उल्टा होगा। अब देखिए दो फंदे हैं तो पहले दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे फिर पहले वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और
एक फंदा हम दूसरी सिलाई से लेंगे, तो ये हो गए तीन फंदे। अब इन तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे, तो ये हमारा कॉर्नर का फंदा हो गया। अब हमें कॉर्नर के फंदों पर ध्यान देना है। बुनने के बाद हमेशा इसे सरका के ऐसे कर लीजिए, वरना फंदे गिर जाएंगे। तो कॉर्नर के फंदों पर ध्यान देना है। बाकी जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे और जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा लाइन शुरू हो गया है। सीधे को सीधा और उल्टे को उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे लास्ट के दो फंदे होने तक। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए दो फंदा बचा है, तो सेकंड लास्ट को हम सीधा बुन लेंगे। अब ये एक फंदा हम लेंगे। अब देखिए इस सिलाई पे एक फंदा बचा हुआ है, तो अब इसको भी हमने इस सिलाई पे कर लिया। अब पहले देखिए ये हमारा चेन वाला फंदा है, तो पहले इसमें हम सिलाई डालेंगे, फिर जो फंदा हमने छोड़ा था उसमें सिलाई डालेंगे और फिर चेन के बाद वाले फंदे। इन तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक कर देंगे। सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा ऐसे सरका लेंगे ताकि गिरे मत। अब जो फंदे सीधे हैं उन्हें सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा है उन्हें उल्टा बुनेंगे। अब हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए, सीधे को सीधा और उल्टे को उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे दो फंदों को छोड़कर। देखिए फ्रेंड्स, ये गला बनाना बहुत ही आसान है। जैसे हम वी गला बनाते हैं, हम सेम इसको भी ऐसे बनाएंगे। फर्क इतना है कि वी नेक में एक चोटी जाती है और इसमें देखिए चार कॉर्नर है और चार चोटियां जा रही हैं। बाकी प्रोसेस सेम है। और हमने यहाँ स्टार्ट किया था, देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हमने एक मार्कर लगा दिया है ताकि हमें पता चले कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनते हुए हम दूसरे सिलाई के पास आएंगे। जैसे हम वी नेक बनाते हैं हमें सेम वैसे ही बनाना है। चार सिलाइयां लगे होने से थोड़ा सा हमें परेशानी होती है, लेकिन डिजाइन गला बनके बहुत ही खूबसूरत तैयार होगा। तो हम दूसरी सिलाई के पास आ गए हैं। अब देखिए ये हमारा कॉर्नर है। जैसे हम वी नेक में फंदे घटाते हैं, देखिए ये चोटी बनाते हैं, सेम हमें उसी प्रोसेस से बनाना है। अब हम जो हमने एक फंदा छोड़ा है उसको भी हम इस सिलाई पे ले लेंगे। देखिए हमारे अब हमें ये चोटी बनाना है, तो हमने इस सिलाई का भी एक फंदा इसमें ले लिया। अब चोटी वाले फंदे में हम पहले सिलाई डालेंगे, फिर देखिए जो हमने इस सिलाई का फंदा इस पे लिया है उस पे डालेंगे और फिर इसके चोटी के बाद वाले। तो तीन सिलाई तीन फंदे हो गए। चोटी वाला फंदा हमारा देखिए ऊपर, सबसे ऊपर हमने चोटी वाले फंदे को ले लिया है। अब तीनों फंदों को हम एक साथ लेके एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब अगला फंदा सीधा है तो उसे हम सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा दसवां लाइन है और ग्यारहवें लाइन में हम बाइंड ऑफ कर देंगे। ग्यारहवें लाइन में हम फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो दसवां लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दसवां लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब ये एक फंदा बचा हुआ है, तो अब इसे हम मार्कर को हटा देंगे क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम इस एक फंदे को दूसरे सिलाई पे चढ़ा देंगे। और पहले हम चोटी वाले फंदे में सिलाई डालेंगे,
फिर दूसरे फंदे में और लास्ट में तीसरे फंदे में। इन तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे। तीन का हमने एक कर लिया। अब अगला फंदा उल्टा है तो उसे उल्टा बुनेंगे और इस वाले फंदे को हम चढ़ा देंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे। उन अपनी ओर अगला फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे। देखिए हमारे फंदे बाइंड ऑफ होने शुरू हो गए हैं। जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे। जो उल्टा है उसे उल्टा, जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते चले जाएंगे। हमने बहुत टाइट हाथ से फंदे बाइंड उतारेंगे, ना ही बहुत ढीले हाथ से। यदि हमारा हाथ बहुत टाइट चलता हो तो हम यहाँ पे सिलाई बदल देंगे, एक नंबर अधिक ले लेंगे। जैसे ये हम 10 नंबर से कर रहे हैं तो ये लास्ट वाला सिलाई जो है वो 9 नंबर का हो जाएगा। तो इस मान लीजिए ये 9 नंबर की सिलाई है और ये जो हमारे लगे हुए हैं, जो जो सिलाई लगे हुए हैं वो रहने दीजिए, जिससे हम उतार रहे हैं यानी ये सिलाई, इसे आप 9 नंबर पे कर लीजिए। और अगर आपका हाथ ठीक चलता है, न बहुत टाइट न बहुत लूज, तो आप 10 नंबर से ही उतार सकते हैं। अब देखिए ये लास्ट फंदा है तो इसको हम दूसरी सिलाई पे कर लेंगे। तो इसे हमने बाएं सिलाई पे कर लिया। अब पहले चोटी वाले फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर दूसरे वाले सिलाई वाले फंदे में और फिर चोटी के बगल वाले फंदे में। तो तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे। पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और चोटी वाले फंदे पे चढ़ा देंगे। अब फिर जो फंदा सीधा है उसे सीधा, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे पे चढ़ाते चले जाएंगे। तो मैं सारे फंदे बाइंड ऑफ करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे बाइंड ऑफ हो गए। अब हम इस लास्ट फंदे को थोड़ा सा बड़ा ऐसे करेंगे और इसके अंदर से गोले को निकाल लेंगे और इसे खींच देंगे। अब हम धागा थोड़ा सा लंबा काटेंगे क्योंकि यहाँ पे हम और सुई में डाल लेंगे। और अब देखिए ये जो हमारी चोटी है, हम यहाँ पैसे लाएंगे, वापस यहाँ से निकाल लेंगे और इसे हम काट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गला बनके तैयार है। अब ये हमें इसकी सिलाई करनी है। देखिए ये हमारा गला बनके तैयार है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है।
अब इसको हम उल्टा कर लेंगे और इसको हम सिल लेंगे जैसे हम नॉर्मली सिलते हैं, आस्तीन से लगाए और यहाँ तक बॉर्डर तक दोनों साइड में। तो सिल के मैं आपको दिखाती हूँ।